Hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel, Infinity Wireless Kolkata, and today we are gonna do something. पता चल गया होगा टाइटल देख के. टाइटल देख के तो पता चल गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं आज, किस चीज के बारे में बताने वाले, किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं. सो यस, बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था इस चीज के लिए, लाइक इस चीज के बारे में लेके बहुत जगह पे, लाइक इन सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब पे, कमेंट्स पे, इंस्टाग्राम मैसेजेस पे, लाइक नॉट ओनली पीपल फ्रॉम इंडिया, पीपल आउटसाइड इंडिया आर ऑल्सो लाइक मैसेजिंग मी, टेक्सटिंग मी, लाइक भाई कैसे, लाइक हाउ टू फिट पैग्स ऑन एमटीबी. सो वी थॉट ऑफ कमिंग अप विद अ वीडियो फॉर दिस, एंड वी आर डूइंग इट नाउ. It's all about pegs. It's all about pegs. If any of you guys are new to our channel, do subscribe our channel for some daily updates and everything related to MTBs. First, go watch old videos, then. Old videos देखने से पता चल जाएगा जो हम लोग कितना खतरनाक videos बनाते हैं. So don't worry about anything. Like just subscribe and press the bell icon beside the subscribe button so that you don't miss out the videos. अभी next video और मस्त आएगा. अभी चिंता. अभी और भी बहुत खतरनाक videos आने वाला है. So stay connected with our channel. So let's get into the video directly. But I guess something's missing before starting the video. Oh yeah! Hum log ka intro dekh lo jaldi se nahi. So, पहले video start करने से पहले आपको ये बताते हैं कि pegs होता क्या चीज़ है, what are actually called pegs. पेग्स एमटीबी में, एमटीबी स्टंट राइडिंग जो करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेग्स में. पेग्स क्योंकि नॉट एमटीबी, लाइक बीएमएक्स में सब कुछ, लाइक एक्सेप्ट ट्रायल बाइकिंग. ट्रायल बाइकिंग में आई डोंट थिंक सो पेग्स यूज होता है क्योंकि बीएमएक्स में ही बहुत यूज होता होगा और एमटीबी में. हां, पेग्स रहता है कि पैर रख के वी कैन लाइक डू स्टफ्स एंड स्टफ्स, यू नो, लाइक बहुत सारा ट्रिक्स किया जा सकता है पेग्स लगाने के बाद, लाइक पैर रख के घूमना फिरना, वो पता ही होगा सब, वो सबको पता ही होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ पेग्स, जैसे बहुत तरीका का, बहुत टाइप्स का पेग्स होता है. लोहा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, पतला होता है. मोटा भी होता है, बट दीज आर पेग्स. सो पेग्स रख के दिमाग पे रखना, सिर्फ पेग्स ही है ये, और कुछ नहीं. सो बहुत तरीके का पेग्स होता है. सो वील बी शोइंग यू द टाइप्स ऑफ पेग्स पहले, एंड उसको फिट कैसे करना पड़ता है, कौन सा एक्सेल्स पे लगेगा, कौन कैसे लगाया जाता है, लाइक वील गिव यू द बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू लाइक फिट एन एक्चुअल पेग. आपको एक आइडिया हो जाएगा कि लाइक हाँ चलो भाई ऐसा करके वी कैन फिट द पेग्स. जिसका पास कन्फ्यूजन्स है जो पेग्स कैसे लगाए, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम लोग पेग्स एक्चुअली में कैसा लगाया जाता है. Which will eventually help you in performing tricks, a lot of tricks, a lot of combos and stuffs. Let's get into the video. So, आप लोग जैसे देख रहे हैं मेरे सामने बहुत तरीके का pegs रखा हुआ है. So, ऐसा इतना ही सारा types का pegs होता है, and इसके अलावा भी बहुत सारा pegs होता है. जैसे what I have here is ये steel का है. Steel नहीं, iron ही बोल सकते हैं. ये जैसे बहुत भारी होता है, जैसे लोहा का बहुत सारा पेग्स आता है, जैसे मोटा बहुत काला रंग का बहुत मोटा पेग्स आता है, काला रंग का पतला पेग्स भी आता है, वो सब बहुत भारी होता है. सो आई वुड रिकमेंड बहुत आयरन पेग्स क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है, साइकिल बहुत हैवी करता है, बहुत भारी हो जाता है, इसलिए वो एकदम अच्छा नहीं है. इसीलिए आई विल बी रिकमेंडिंग ओनली एल्युमिनियम पेग्स और प्लास्टिक फाइबर पेग्स जो एमटीबी स्टंट्स के लिए बहुत बेटर होता है. बट ये भी हम यूज़ किए हैं, इट्स अ वेरी गुड पेग, मोटा वाला पेग लेकिन बहुत भारी होता है. सो भारीपन के लिए इसलिए आई वोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ पेग्स, बट स्टिल इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू ये पेग्स भी कैसा लगाया जाता है, हम आपको वो भी बता देंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेग. दिस इज डार्टमोर पेग, दिस इज अ फाइबर पेग जो है, दिस इज फॉर डार्टमोर. ये डार्टमोर का साइट में मिलता है एंड बहुत अच्छा पेग्स है. इसमें 12 mm एक्सेल लगेगा, दीज आर ओनली फॉर थ्रू एक्सेल हब्स. बट इंडिया में बहुत कम जन है जो थ्रू एक्सल्स यूज़ करता है. सो दैट्स द रीज़न जो आप लोग अगर नॉर्मल एक्सल्स यूज़ कर रहे हैं 10 mm वाला, फॉर दोज एक्सल्स आई विल बी रिकमेंडिंग दीज काइंड ऑफ पेग्स. ये एल्युमिनियम पेग्स है, ये वाला, सॉरी ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, ये भी, ये तीनों एल्युमिनियम है. ऐसा पेग्स आप देखे होंगे आता है, जैसे छोटा पेग्स ऐसे घुमा के लगाना पड़ता है. आई विल बी शोइंग यू नाउ लो बजट का पेग. क्या लो बजट का पेग है ये? लो बजट का पेग है, फिर भी इसका 70 rupees दाम है. मुंह का बात है रे, 70 rupees, अजीब बात करे. ये भी बहुत मस्त पेग है, ये हम लोग का पीछे लगा हुआ है, एल्युमिनियम का पेग है, बहुत लाइट वेट है.
ऐसा पेग्स मिलना शायद बंद हो गया है। ये अभी मिलता नहीं है। लगता है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल में भी लगा सकते हैं आप, डार्टमूर का थ्रू एक्सल में भी लगा सकते हैं, लाइक छेदा बड़ा करके आपको डिटेल्स में बताएंगे कैसे लगाना पड़ेगा। साइकिल उठा भाई, साइकिल उठाना पड़ेगा तो उठाना भाई, काम देख रहा। तो पहले मैं बोल देता हूँ नॉर्मल एक्सेल के बारे में, जो नॉर्मल एक्सेल होता है इसमें कैसे पेग लाया जाता है। ये नॉर्मल एक्सेल होता है भोगल का, इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा भोगल, पता ही होगा। सो ये आपको अगर लेना है तो थोड़ा लंबा लीजिएगा, जो यहाँ से ये निकला होगा ये इतना निकल जाना चाहिए, जैसे आप पेग लगा सकते हैं डायरेक्ट भी, या जो नट से लगाता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ नट मत लगाना, क्योंकि नट से बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसे लाइक एक्सेल जो है वो टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है, अगर आप बहुत ख़तरनाक क्रैश करें तो वो बेंड हो जाता है और फ्रेम में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो डोंट यूज़ दैट, नट मत लगाना डायरेक्ट, हो सके तो पेक डायरेक्ट लगा के उसके ये अंदर से नट लगा देना, लगा के टाइट कर देना, वो तो हम लोग भी दिखाएंगे अभी कैसा होगा कैसे नहीं। लेट मी टेल यू अबाउट द नॉर्मल एक्सेल, ये जो 10 mm का होता है एक्सेल, वो नॉर्मल हब के लिए होता है। थ्रू एक्सेल का वो वाजिद बोलेगा, ये मेरा एक्सेल तो मैं बोल देता हूँ, ये 10 mm का आप एक्सेल यूज़ करिए, बेस्ट होगा नॉर्मल हब के लिए। सो ये मेरा है एक्सेल 10 mm का, इसमें ये पेग जैसे ये लोहा का पेग, इसमें घाट है तो आपको ज़्यादा मतलब क्या परेशानी नहीं होगा, ये डिफ़िकल्टी नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें पेच है तो आप ऐसा करके ये लगा सकते हैं, ऐसा करके ये लगा के आप नॉर्मली टाइट कर सकते हैं ये। सो ये पेग ऐसा लेके आप कोई भी रेंज, इसका सिलाई रेंज या कुछ भी, कोई भी रेंज हो, इसको लेके ऐसा टाइट कर देंगे तो ये पूरा फिट बैठ जाएगा, कोई नट का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें घाट रहता है ये। तब ये पहला पेग का हो गया ये लोहा का, अब दूसरा दिखाता हूँ मैं। एंड सो ये इसमें आते हैं हम लोग एल्युमिनियम में आते हैं अब, तो ये भी सेम टेक्निक है, इसमें भी घाट है दे सकते हैं आप, घाट है, ये भी सेम टेक्निक है, जैसे अगर ये टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर, तो इसको ऐसा लेके ऐसा आप टाइट कर सकते हैं, ढीला टाइट, ये इजी होता है, इजी एकदम टाइट हो जाएगा इससे, समझ गए। तो ये हो गया, और इसको लगाने से पहले कोई नट नहीं लगाना, पहले ये डायरेक्ट लगाना, ठीक है, तो और ईजी होगा, तो फिर उसका एक्सेल का कोई जगह नहीं रहेगा, तो ये डायरेक्ट लगा के टाइट कर देना। अब चलो दूसरा पेग में, सो ये क्या पेग है, हाँ ये भी पेग ही है एक तरफ का, लेकिन ये एकदम बेकार, ये स्टैंड राइडिंग के लिए हम लोग एकदम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये अच्छा पेग नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, तो इसको हटाओ, इसको फेंको। अच्छा ओके, इफ यू स्टिल वांट टू फिट दिस देन ये आप ये सेम टेक्निक पहले वाला जैसा, इसको भी घुरा के ऐसा इसको जैसा टाइट कर सकते हैं, और स्क्रू ड्राइवर एंड ऑल जो बोले थे वैसे ही घुमा के, लेकिन ये बेस्ट नहीं, एकदम अच्छा नहीं स्टैंड राइडिंग के लिए, सो आई वोंट रिकमेंड दिस। ओके सो अब आते हैं मेन चीज़ में, ये मेन पेग है, ये पेग अभी मिलता नहीं है, लेकिन ये बेस्ट है स्टैंड राइडर के लिए, जो स्टैंड राइडिंग करता है उसको पता ही होगा ये बेस्ट पेग है, ये मिलता नहीं है अभी एक्चुअली। सो दिखाते हैं कैसे लगाया जाता है, इसमें ये थ्रेड नहीं है, कोई घाट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने काटा है पेग। तो आपको पेग लगाने से पहले कोई नट नहीं लगाना है, आपको ये वॉशर लगाना है, ऐसा टाइप का वॉशर, ना पतला ना ज़्यादा मोटा, ये मेरा लिए है क्योंकि मैं ऐसा लगाता हूँ, सो ऐसा वॉशर पहले लगाना है, उसके बाद पेग लगाना है, पेग लगा के उसके अंदर से नट यहाँ से इसे टाइट कर देना, ढुका के जितना भी आपका स्ट्रेंथ है ऐसा टाइट कर सकते हैं, मेरा इतना स्ट्रेंथ है। सो ज़्यादा भी मत टाइट करना, क्योंकि एक्सेल का घाट भी कट सकता है, यू नेवर नो, सो ज़्यादा भी मत करना। ये हो गया, अब नहीं हो रहा है इससे, ताकत नहीं है, ऐसा डन, रेडी एक्शन बिच।
So now it's my turn. So now I'll be showing you my peg systems, कैसे कैसे क्या लगा है कि नहीं है लगा है. So आपको मेरा भी आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हम डार्टपुर हॉर्नेट पे कैसे पेग्स लगाए हैं. क्योंकि वट हब आई एम यूजिंग इज थ्रू एक्सेल हब एंड उसके लिए एक्सेल्स भी अलग है, एक्सेल अलग है एंड उसमें 12 mm का एक्सेल यूज़ हुआ है. लाइक बहुत मोटा है 10 mm से. सो सबको ये भी हम बता देंगे कि ये एक्सेल पे पेग्स लगाने के लिए लाइक कौन सा पेग्स बेटर रहेगा कौन सा नहीं रहेगा. सो लेट्स गेट इनटू इट. व्हाट्स रॉन्ग ब्रो, कितना गंदा निकल रहा है. सो अभी मेरा बारी है कि हम अभी कौन सा पेग यूज़ करेंगे. मेरा एक्सेल जो है ये 12 mm का एक्सेल है एंड ये थ्रू एक्सेल हब है. लाइक जैसे बाइक्स में रहता है जो ऐसा घुसता है निकलता डायरेक्टली, मेरा वैसे सिस्टम वाला एक्सेल है. सो ये एक्सेल जो है ये 10 mm से बहुत मोटा है, ये 12 mm का एक्सेल है. सो इसमें कोई पैच वाला पेग लगने नहीं वाला है, इसमें कोई भी पैच वाला घुसने नहीं वाला है क्योंकि इसका छेदा छोटा है. इट्स होल इज़ लाइक वेरी स्मॉल. इसमें कोई भी पैग पेंच वाला नहीं लगने वाला है. सो उनको जो भी पैग यूज़ करना पड़ेगा वो पैग मोटा करके लाइक बड़ा पैग घुसाना पड़ेगा. सो ये ऐसा एक्सेल में लगाने के लिए सिर्फ दो ही टाइप का पैग्स आएगा जो हमको लगाना बेटर होगा. एक आता है डार्टमूर वाला पैग जो इसी के लिए होता है. इसका होल बड़ा भी है एंड सो दैट्स द रीज़न हम ऐसा घुसा के अंदर से वॉशर देके नट देके जैसे आकाश का लगाया वैसा ही हम टाइट कर सकते हैं. सो ये एक्सेल जो मेरा पास है वो 12 mm का है एंड 197 mm का लाइक लंबाई पे है. ये मेरा फ्रेम बहुत मोटा भी है 26 प्लेयर से भी. सो दैट्स द रीज़न आई हैड टू लाइक गेट अ वेरी लॉन्ग एक्सेल फॉर द पेग्स टू फिट इन. सो इसीलिए लाइक हम ये पेग पीछे यूज़ करते थे बट द थिंग इज़ दैट ये पेग लगाने के बाद लाइक जितना प्रेशर पड़ता था ये फाइबर पैग है इसीलिए वो टेढ़ा होके मेरे पास तो नहीं टिका, मेरे पास तो टूट गया. दिस ब्रोक व्हेन आई यूज टू लाइक यूज़ दिस इन द रियर. सो आफ्टर दैट आई हैड टू शिफ्ट टू लाइक दिस वन एल्युमिनियम जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर है एंड बेटर दैन दैट. इसका छेदा हम बड़ा करके लाइक डायरेक्टली ऐसा फिट करके विदाउट कोई नट विदाउट कोई वॉशर देखिए आई जस्ट हैड टू फिट इट लाइक दिस. वॉशर इसका वॉशर जो है ये वॉशर है ये इसके अंदर घुसा के सेम सिस्टम जैसे आकाश लगाया है नट देके ऐसा ये वाला. ये मेरा जो नट है ये 17 mm का है लाइक 17 जिसको बोलते नहीं है 17 नंबर का नट है ये. ये अंदर घुसा के ये वॉशर का वॉशर देंगे. वॉशर देने के बाद ऐसा अंदर ऐसा जितना मतलब एनर्जी है जितना मतलब माँ का दूध पिए हो एकदम अच्छे से टाइट कर देना. पूरा एक ही दिन में निकाल देना अच्छे से. इतना भी ज़ोर से मत करना कि एक्सेल का घाट कट जाए या नट का घाट कट जाए. मतलब मीडियोकर टाइट करना ताकि ये मतलब स्टिफ रहे हिले नहीं. इसमें बहुत अच्छा ग्रिप्स है. सो आप ये पैग यूज़ करना बहुत बेटर होगा. आप 12 mm एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, 10 mm एक्सेल में भी ये पैग यूज़ कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आपका. सो आई वुड रिकमेंड दिस पेग्स फॉर MTB स्टंट राइडिंग बट ये पेग्स हमें मिलता नहीं है. सो इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है. आपको कोई कहीं से भी जुगाड़ करना पड़ेगा. अदरवाइज आपको एलुमिनियम अगर नहीं चाहिए देन आप लोहा का यूज़ कर सकते हैं. मजबूरी का नाम गांधी जी, आपको यूज़ करना पड़ेगा ही पेग्स. सो उसमें आपको जितना हल्का हो सके उतना हल्का पेग यूज़ करना बेटर है. सो आप इसमें प्लास्टिक वाला भी पैग लगा सकते हैं. इसको प्लास्टिक भी नहीं बता सकते, ये फाइबर का भी होता है. बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से ये बना है. डार्टमूर का ओरिजिनल पैग जो स्टंट्स के लिए ही एक्चुअली होता है. सो आप ये बहुत रेयर है. ये आपको इंडिया पे उतना मिलने वाला नहीं है. ये बाहर से ये पोलैंड का है. सो आपको ये इंडिया में नहीं मिलेगा. ये आपको कोई ऑनलाइन साइट देखना पड़ेगा या डार्टमूर का साइट में देखना पड़ेगा खरीदने के लिए. सो आप ये भी वही सेम सिस्टम है. आप ऐसा घुसाएंगे अंदर वॉशर देंगे एंड देन आप फिट करेंगे नट लगा के अंदर से. सो सिंपल टेक्निक है, उतना कोई हेजिटेशन नहीं है. ऐसे ही वॉशर ये सेम है, सेम वॉशर है. ये डार्टमूर का ही वॉशर है. ये अंदर घुसेगा उसके बाद ये नट 17 नंबर का जैसे सेम लगाएं वैसे अंदर घुसाएंगे. उसके बाद ये गोटी रेंज से अंदर घुसा के ऐसे टाइट करके आप नट झूल रहे बाहर निकल के उसे घुमा के आपको लगा लेना पड़ेगा. Oh yeah. So, आपको हम लोग जैसे पहले बताएं कि एक्सेल में मतलब पैग लगाने से पहले आपको वॉशर लगाना बेटर होगा. बट हम वॉशर नहीं लगाते क्योंकि मेरा ऐसे ही फ्रेम बहुत मोटा है एंड ये भी बहुत वॉशर जैसा ही काम करता है.
बट द थिंग इज दैट अगर हम वॉशर इसमें लगाएंगे तो नट टाइट करने का जगह बहुत कम रह जाएगा. सो इसीलिए हम डायरेक्टली पेग लगाते हैं, उसके बाद अंदर से वॉशर देते हैं, उसके बाद हम नट देके टाइट करते हैं ताकि मेरा अंदर मतलब बाहर जो जगह है वो जगह नट अच्छे से टाइट हो सके. तो अगर हम एक्सल में मतलब वॉशर दे दिए यहाँ पे तो बाहर से नट टाइट करने का हल्का जगह नहीं रहेगा. सो दैट्स द रीज़न हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक्सल इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 12mm का एक्सल है. आप बनवा सकते हैं बट उसके लिए अलग हब भी आता है. आप अगर वॉशर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट हम वॉशर नहीं लगाते हैं बिकॉज आई लिव द लाइफ ऑफ थग्स, प्योर थग्स. इतना मेहनत करने का बात लेजी टाइम. सो आपको अगर आइडिया हो गया होगा कि आपको पैग कैसा फिट करना पड़ता है. अगर आपको कोई डाउट है लाइक कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में आप बता देना, पूछ लेना क्या प्रॉब्लम हो रहा कि नहीं हो रहा. आप लोग को सब रिप्लाई आपको मिल जाएगा. बस रिप्लाई ना मिले तो हम लोग को इंस्टा में डीएम कर देना, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा वीडियोस है जिसमें लाइक बहुत जल्दी वायरल चले जाता है एंड बहुत कमेंट्स आता है. तो इसीलिए लाइक ऐसा हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर कमेंट का आपको रिप्लाई करें, बट वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू. बट अगर इन केस आपको अगर रिप्लाई नहीं मिला देन आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे आप लोग पिंग कर सकते हैं. जैसे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं पे आता होगा एंड मेरा भी यहीं पे आता होगा. बस आप इंस्टाग्राम में अगर डायरेक्टली जाके फॉलो करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली आप हम लोग को फॉलो करके आप लोग अपना हमारा एवरी अपडेट जितना भी लाइव का अपडेट्स है आप लोग फॉलो कर सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स हो, आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. सो अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिला हो तो जरूर अपना दोस्त लोगों से शेयर कर देना. इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू फाउंड इट हेल्पफुल देन डू गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इन्फिनिटी राइडर्स कोलकाता. सो गाइज स्टंट हार्ड एंड राइड सेफ. प्लीज चीयर्स. चीयर्स. ये पीने से बात ही अलग है. ओए अभी उड़ा बच्चा दिन ना है. यार अनिशा थैंक यू फॉर वीडियो. माय नेम इज अनिशा दास. ओके सब ओवर एक्टिंग है. सब ओवर एक्टिंग है. सही है. पापा को जाने बाबा की बोलती दादा बाबा की बोलती दीदी तू सही है. रेड कट ओके 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 कट कट बहुत हो गया. एवरीवन काउंट डाउन.